बारिश हो रहा है बहुत ज्यादा फिर में, और ये पूरा हरियाली है। और ये आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं दिखा रही थी आप लोगों को, सब पानी में डूब चुका है। और ये हम अपने मंजिल पे आ चुके हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स मेरा, ये देखिए फ्रेंड्स मेरा जलेबी पूरा रेडी हो गया। और ये मेरे रसोईया घर से पोहा बन चुका है। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज सैटरडे है और सुबह का पूजा पाठ हो गया मेरा सब। और बारिश हो रहा है बहुत ज़्यादा। और चलते हैं फिर रसोई घर में। सो फ्रेंड्स, और अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं आज बना रही हूँ पोहा, क्योंकि भाई बारिश है तो बारिश में तो पोहा बनता है और बारिश बहुत ज़्यादा है, आप देख ही सकते हैं बारिश का नज़ारा। ये देखिए बारिश का नज़ारा। और 4 दिन का छुट्टी इन लोग का हो चुका है। आज सैटरडे है, कल संडे रहेगा, फिर मंडे से क्लास रहेगा। और बारिश कंटिन्यू बारिश हो रहा है, रोड पर पानी जमा हुआ है। लाजवाब पोहा रेडी हो रहा है। बारिश तो बहुत ज्यादा हो रहा है। ये रहा मेरा मैगी मसाला। बिना मैगी मसाला का टेस्ट ही नहीं अच्छा आता है। बिटिया रानी का मेरी ऑनलाइन क्लास चल रहा है। ऑनलाइन क्लास लॉकडाउन में चलता था, अभी फिर से चालू हो गया। और ये मेरे रसोईया घर से पोहा बन चुका है और अभी हम लोग इसको सर्व करेंगे। क्या? और आज का सुबह का नाश्ता मेरा यही है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बारिश में आए हैं इधर थोड़ा घूमने फिरने। और ये पूरा हरियाली है और ये देखिए पूरा पानी ही पानी हर जगह देख सकते। देखिए ये पूरा पानी पानी है, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यार।
कितना अच्छा है। यहाँ से बांधा है स्टेशन करके पैदल गया होगा। ये ट्रेन आ रही है, ये है मुंबई लोकल और ये हमारा वीडियो हो गया बंद। नहीं चलो गजब दिख रहा है इधर से नहीं। ये कुछ हमारे सब्सक्राइबर लोग को कुछ बोल दो। अरे क्या इतना लोग देखते हैं सब्सक्राइब करते ही नहीं है, क्या बोलूं मैं इन लोगों को। ये हमारा सखाराम है, ये इतने व्यूअर्स होने के बाद सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं सोचने वाली कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। पूरा पानी पानी, लेकिन हम लोग सोच रहे थे बहुत ज्यादा पानी भर गया होगा, नहीं नायगांव में इधर पानी नहीं भरा हुआ। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम है, छपरियों के साथ देखो पूरा अच्छा व्यू आ रहा है इधर से। मेरे साथ छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। छुट्टी नहीं है भाई, वर्क फ्रॉम होम है। अरे वर्क फ्रॉम होम है तो लंच में काम किया था इसलिए घूमने आ गया। लंच ब्रेक में मैं काम कर रहा था इसलिए घूमने आ गया, बैठे बैठे कंटाल गया। ये देखो इधर आ नदी, नदी नहीं है एक्चुअली ये नाला है जो पानी जो है ना। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये नदी नहीं है, ये नाला है जो वसई नाला सपारा नायगांव के जो पानी है ना सीवेज का, ये खींच के ले जाता है दरिया में गिराता है। और समझिए कितना ज़्यादा पानी भरा होगा उधर, कितनी तेज़ी से पानी निकल रहा है। बहुत तेज़ी से निकल रहा है यार सही में। और अच्छा अगर हाई टाइड होता तो पानी खींचता नहीं पानी, और उल्टा उधर ही फेंकता, फेंक देता। हाँ तो पानी जल्दी निकलता नहीं, तो उम्मीद है कि वसई नाला सपारा का पानी जो है आज रात तक निकल जाएगा, क्योंकि हाई टाइड नहीं है, हाई टाइड खत्म हो चुका है। उधर देखो नमक का खेती सब पूरा नमक डूब गया, घुल गया पूरा। कुछ भी हो बारिश हो चाहे कुछ भी हो अच्छा बहुत लगता है। ये देखो नमक घुल गया है सारा इस पानी में। तीन दिन से आदमी घर में पैक। चलो चलते हैं। चलो दिखाई थी आप लोगों को वो सब पानी में डूब चुका है, लेकिन यार नमक नहीं डूबा है यार, नमक पैक करके रखा, पैक करके ये सब लोग रखे हुए हैं। ये देखिए स्ट्रॉन्ग पैकिंग है उसका, देखो हाँ पूरा पैक है भाई। अब ये कब चालू होएगा? पूरा बहुत अच्छे से लोग पैक किए गए हैं, बारिश देखने आए पानी है कि नहीं जमा हुआ पानी। और ये हम अपने मंजिल पे आ चुके हैं ना घर। बारिश नहीं मिला कहीं, यहाँ अब चाय पीना है हम लोग को। और ये देखिए फ्रेंड्स, आज मेरे यहाँ जलेबी बन रहा है, मैं जलेबी बनाने जा रही हूँ। और ये देखिए मेरा जलेबी का डो है, और ये मेरा चाशनी हो रहा है, और ये मेरा जलेबी है, और देखते हैं कैसा बनता है। और उधर खाने वाले लोग इंजीनियर साहब उनके बच्चे सब लोग वेट कर रहे हैं कि फटाफट जलेबी बनाओ भाई, और मैं अपना काम कर रही हूँ। और ये देखिए कैसा बनता है, हाँ सब लोग बोले देखते हैं कैसा बनता है। जानवी तेरा क्या आशा है मेरे से, हैं अच्छा बनेगा कि नहीं?
बाबू तुम बताओ बनेगा ना। और ये देखिए फ्रेंड्स, ट्राई करने में क्या जाता है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लेकिन बन जाएगा, बहुत अच्छा बनेगा। बाबू इधर दिखाओ। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जलेबी एकदम रेडी हो चुका है और इधर इतना तल के रखी और ये चाशनी बन रहा है। चाशनी में मैं थोड़ा सा फूड कलर डाली हूँ, येलो कलर, और इलायची डाली हूँ। ये देखिए और ये मेरा रेडी हो रहा है। ये मैं चाशनी में डिप करूंगी। और ये देखिए टूट ना जाए यार। मेरा रसोई रसोई जलेबी रेडी है। बहुत दिन से मैं कुछ मीठा बना ही नहीं थी, इसलिए बारिश में मीठा खाने का है तो किधर जाओगे दुकान में, तो चलो घर पे ही बना लिए। और ये मेरा गर्मा गर्मा जलेबी रेडी है और मैं अभी भगवान को भोग लगाऊंगी, फिर सब लोग को खिलाते हैं जलेबी। और ये मेरे यहाँ देखिए जलेबी तोड़ रहे हैं सब लोग। भैया बताओ कैसा बना है? आप जो बनाते हो सबसे बहुत अच्छा बना है भाई। और ये देखिए सब लोग खा रहे हैं और ये अच्छा बना है भाई, ऐसा नहीं है, थोड़ा ठंडा तो होने दो, देखो ठंडा तो होने दो। गुड। और ये मेरा आज का जलेबी, मैं भी खा लेती हूँ इतना सा। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जलेबी पूरा रेडी हो गया बनके और ये बहुत अच्छा है। ये देखिए ये टूट भी रहा एकदम कड़क कड़क, और सब लोग खा चुके हैं और इतना बचा हुआ है, और इसको मैं सब लोग को इच्छा होगा तो खाना खाने के बाद खाएंगे। और ये मेरा जलेबी रेडी हो गया, बहुत अच्छा लेकिन हो गया करारा एकदम। तो क्या बोल रहे रे? आज के लिए बस इतना ही गाइस। खाया कैसा लगा तेरे को? अच्छा।
नीचे दूध भी गिरा। जलेबी और दही खाने का हाँ मस्त एकदम मजा आता है।